नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धामा व्लॉग चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पशुओं की खोर या खुरली के बारे में। अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। बहुत से किसान भाई इसे खुरली कहते हैं, बहुत से किसान भाई इसे खोर कहते हैं। कुल मिलाकर के इसमें पशुओं को चारा खिलाया जाता है, लेकिन इसे अधिकतर किसान भाई सीमेंट से तैयार करवाते हैं। नीचे को इसमें अच्छे से सीमेंट कराया जाता है, लेकिन एक दो साल बाद ही काफ़ी समस्या आनी शुरू हो जाती है। जगह जगह से सीमेंट उखड़ना शुरू हो जाता है। हालांकि किसान भाई काफ़ी लागत लगा करके खोर को या खुरली को तैयार करते हैं, नीचे से अच्छे से सीमेंट करवा करके उसे चिकना बनाते हैं, लेकिन उसके एक दो साल बाद ही कुछ तो पशु इसे जीभ से चाटना शुरू कर देते हैं। कुछ हम जैसे ही खल वगैरह का यूज खोर में करते हैं तो उसके पानी से भी वो सीमेंट धीरे धीरे एक दो साल बाद ही उखड़ना शुरू हो जाते हैं। उसकी जगह नीचे पड़ी हुई रोड़ी धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती है। जैसे कि आप इस खोर में देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या आपकी खोर या खुरली हो रही इस तरह की समस्या है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो सबसे ज़्यादा परेशानी कब होती है, जब हम कई बार अपने पशुओं को हरे चारे के ऊपर खल छिड़काव करते हैं, भूसे के ऊपर खल छिड़काव करके उसे हाथों से मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो कई बार ये रोड़ी हमारे नाखून में घुस जाती है और हमें काफ़ी दर्द का एहसास होता है, काफ़ी परेशानी होती है। और इस तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूँ, ताकि आपको आगे आने वाले समय में ऐसी कोई समस्या ना देखने को मिले। देखिए, इसके लिए मैं आपको दूसरी खुरलिया खोर दिखा रहा हूँ। इस खोर में भी कुछ इसी तरह की समस्या बनी हुई थी, यानी कि नीचे से रोड़ी उखड़ी थी, लेकिन मैंने इस खोर या खुरली में टाइल्स लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये वही टाइल्स हैं 2x2 की, जिन्हें हम अपने कमरों या मकानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इसको खोर या खुरली में लगाई है तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा और चिकना स्पेस हमें नीचे से खुरलिया खोर का देखने को मिलता है। इसमें आप किसी भी तरीके से हाथ घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, इसमें इस तरह की समस्या कभी भी नहीं आएगी, ना ही ये जल्दी से टाइल्स खराब होगी, क्योंकि इनका स्पेस बहुत ही चिकना और सरफेस होता है। ये डबल चार्ज टाइल्स हैं। वैसे तो दोस्तों टाइल्स काफ़ी महंगी हमें पड़ती है, जो हम कंपनी की लेते हैं तो काफ़ी महंगी पड़ती है, लेकिन आपको लोकल टाइल्स 2x2 के ले लेनी है डबल चार्ज। वैसे तो डबल चार्ज टाइल्स भी लोकल में लगभग 500 550 600 की पेटी मिलती है। इसमें एक पेटी में चार टाइल्स आती हैं, जो कि 16 फुट स्क्वायर फिट का एरिया कवर कर लेती हैं। लेकिन आपको ये टाइल्स भी नहीं लेनी है, आपको टाइल्स की दुकान पर पहुंच जाना है और वहां पर आपको बोलना है कि मिक्सचर की टाइल्स हमको दिखा दो। तो दोस्तों कई बार जो दुकानदार है वो जब भी टाइल्स मंगाता है तो उनकी काफ़ी सारी टाइल्स बिक जाती है, उनमें से एक दो पेटी किसी कलर की बच जाती है और एक दो पेटी किसी कलर की बच जाती है, तो उन्हें मिक्स टाइल्स बोलते हैं। ये मिक्स टाइल्स कमरों या मकानों में नहीं लगती, इसलिए ये दुकानदार के पास में रखी रहती है, वे इन्हें आधे दामों में बेच देते हैं। जब भी आप किसी दुकानदार के पास में जाएंगे और उनसे मिक्स टाइल 2x2 की डबल चार्ज मांगेंगे तो वे आपको आधे ही रेट में, यानी कि लगभग 200 से 250 रुपए में प्रति पेटी, यानी कि 16 स्क्वायर फुट की टाइल्स आपको दे देंगे। इस तरीके से आप इन टाइल्स को काफ़ी सस्ते में अपनी खोर या खुरली में लगा करके काफ़ी अच्छा अनुभव कर सकते हैं और हमेशा के लिए इस तरह की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।